स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरविंदो होम पर। दोस्तों, आज जो आप घर देखने जा रहे हो एक खूबसूरत लोकेशन के ऊपर होने वाला, जहां पर तीन तीन गार्डन आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर जॉगिंग ट्रैक आपको मिलेगा, थोड़ी सी घर खेलने के लिए जगह आपको मिल जाएगी, बच्चों के लिए सेपरेट मिलेगी, और एक क्लब हाउस मिल जाएगा जहाँ पर स्विमिंग पूल मिल जाएगा, पार्टी हॉल मिलेगा, उसके अलावा टॉप फ्लोर आपको इंडोर गेम्स आपको मिल जाएंगी। और यही नहीं है कि आपका घर जो है वो बिल्कुल मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन के ऊपर है, जो कि एयरपोर्ट रोड मोहाली है, सेक्टर 123 के अंदर। तो अच्छी लोकेशन का फ़ायदा है कि ये भी होता है कि इनकेस अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पर एप्रिसिएशन हमें बहुत अच्छी मिल जाती है, रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी मिलती है, और कुछ सालों के बाद अगर हमने पैसों को बढ़ते हुए देखना है गोल्ड से ज़्यादा, तो सबसे अच्छी लोकेशन रहती है। तो दोस्तों, घर को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, वास्तु फ्रेंडली होम है, हर रूम के अंदर प्रॉपर सनलाइट आती है, नेचुरल लाइट आपके पूरे आने वाली है, और घर को बनाते हुए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि एक बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर यह बने, और सेकंड आपकी जो लुक्स है घर की वो बिल्कुल प्रीमियम आए, ताकि कुछ सालों के बाद जब आप अपने घर को देखो तो आपको एप्रिसिएशन जो होती है वो दिल से महसूस भी हो हर जगह से। और लोन आपको पूरा प्रॉपर मिल जाएगा यहाँ पर, 80% वो किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, बातें बहुत है घर के बारे में करने के लिए, ये हम करते रहेंगे, तो इससे पहले सीधा घर के पास चलते हैं और शुरू करते हैं आज के घर की वीडियो को। तो दोस्तों, ये आपके घर का स्टेयरकेस रहेगा और लिफ्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एक फ्लोर के ऊपर दो ही घर रहेंगे आपके, लेफ्ट और राइट, तो खूबसूरत लिफ्ट्स आपको मिल जाएंगी जो कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक सारी चल जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर आपका पूरा का पूरा पार्किंग रहेगा, इजीली आपकी जो पार्किंग है वो कवर्ड रहेगी, गर्मियों में आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल भी कभी धूप में नहीं खड़ी होगी। और ठीक यहाँ पर जो है हमारा मेन एंट्रेंस डोर, जो कि 8 फीट की हाइट का रहने वाला है और 4.25 फीट की विड्थ इसको मिलने वाली है, फ्लश डोर है, पॉलिश किया हुआ है, और साथ में इसके डिजिटल डोर लॉक आपको मिलेगा जो कि डोर सेट की तरफ से है, बायोमेट्रिक भी है, नंबर्स भी हैं, और डिजिटल कार्ड से भी चलेगा। तो चलिए ओपन करते हैं हम इसको और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हम इसको खोलते हैं तो हम सीधा पहुंचते हैं अपने ड्राइंग एरिया के अंदर, जहां पे हमें बड़ी सी सीलिंग हमें मिल जाती है, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम यहां पर किया गया, उसी उतना ही काम आपको नीचे भी मिल जाएगा। 6 सीटर आपका जो है डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगाया गया है, और इस तरफ जो है 5 सीटर आपका सोफ़ा लगाया गया है, उसके बाद दरमियान अगर देखेंगे दोनों के तो स्पेस आपको पूरी मिलेगी। बड़ी सी सीलिंग है, कंसील लैंप्स हैं, स्ट्रिप लाइट्स हैं, थीम लैंप्स हैं, आपको हर तरह की लैंप्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो बड़ा रूम है, 21 फीट का रूम आपको मिल जाता तकरीबन, और 11 फीट की इसकी विड्थ रहेगी, तो काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है, और इतनी स्पेस के अंदर आप जैसे भी आप लगाना चाहते हैं किसी चीज़ को बहुत आराम से लगा सकते हैं। और ये एक काम की बात होती है कि जब हम घर ले रहे होते हैं तो उसके अंदर इतनी स्पेस हो कि हमारा सोफ़ा जो वो पूरा लगे, उसके बाद जो डाइनिंग टेबल है वो भी पूरा लगे, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाई गई हैं, और ऐसा भी नहीं है कि फंसा कर लगाई हूँ, पूरे प्रॉपर वे से लगाई हैं, उसके बाद हम दोनों तीनों तरफ कहीं से भी अब मूवमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जगह जो है वो हमारे पास हर तरह से पूरी है, एरिया पूरा हमें मिल जाता है यहाँ पर। और ठीक यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर आपके लिए जो है पूजा स्पेस भी डिज़ाइन की है, तो एक छोटे स्पेस हम पूजा रूम नहीं बना सकते थे क्योंकि 123 गज के अंदर है या 1100 स्क्वायर फीट है, तो हमने पूजा स्पेस को यहाँ पर डिज़ाइन किया है ताकि आप इजीली कुछ देर एकांत में अपनी जगह पर बैठकर अपने रब को याद कर सकें। तो जगह हमने जो है पूरी यूटिलाइज़ की है, और ये चीज़ आपको पूरे घर के अंदर मिलेगी कि आपको हर एक कोने को बड़े अच्छे वे से यहाँ पर यूज़ किया गया है, और आपको घर के अपने इर्द गिर्द ही आपको जो है 3 इंटरनेशनल स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, स्मार्ट स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, 5 रनिंग हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, मार्केट पूरी और प्रॉपर मिलेगी, इसके अलावा जो मॉल होगा सबसे बड़ा मॉल पंजाब का वो भी आपको महज किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जितनी चीज़ें हैं वो घर के आसपास ही हैं, तो और एयरपोर्ट रोड आपके घर के पास हो तो एप्रिसिएशन तो अपने आप ही यहाँ पर बन जाती है, सोचने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया, सीलिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है, और ये आपका 12.5x11.5 का डिज़ाइन रहेगा, और बेड आपका किंग साइज़ है, उसके लगाने के बाद सामने की तरफ आपके पास जो स्पेस है वो पूरी मिलेगी, क्योंकि 11.5 में स्पेस आगे पूरी बच जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप देखेंगे बेड के सामने जो साइड पे है, दोनों तरफ ही आपको जो पूरी प्रॉपर स्पेस आपको मिलेगी, क्योंकि डिज़ाइन करते इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा कि आपकी स्पेस वो कम ना हो, अगर रूम का साइज़ कम भी लग रहा हो तब भी ना कम हो, क्योंकि यहाँ पर हमने वार्डरोब को इनबिल्ट कर दिया है, आपके रूम की जो जगह है उसको हमने ख़राब होने दिया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वार्डरोब आप देखेंगे तो बिल्कुल एक अलग प्रीमियम लुक्स के साथ आपको मिलेंगे, जहाँ पर अर्केलिक ग्लास हम इसको वैसे बोलते हैं, तो पूरी ग्लास फिनिश के साथ आपको वार्डरोब मिलेंगे, जहाँ पर अंदर आपके जो है लैमिनेशन आपको पूरी प्रॉपर मिलेगी, और जितनी प्लाई यहाँ पर यूज़ की हुई है एशियन टेस्ला की तरफ से आपकी यूज़ की गई है, और डिज़ाइन करते आपके जो है पूरे प्रॉपर ड्रॉर्स और कॉलम्स
हर चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन किया है ताकि आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं या वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो की एंड लॉक के अंदर आएँ, कोई भी चीज़ बाहर ना रहे और आपको इस चीज़ की कमी ना हो कि आपकी स्टोरेज के अंदर कोई चीज़ बाहर रह गई है या कोई कमी आ गई है। तो हर चीज़ एक अच्छे वे के साथ, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पर आपके लिए बनाई गई है। और डबल अलमीरा है तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम सामान आपका यहाँ पर आएगा, तो चाहे वो गर्मियों का हो या सर्दियों को, क्योंकि हम मिडिल क्लास के अंदर रहते हैं, हम नहीं चाहते कि एक एक दो दो छोटी छोटी अलमारियाँ या पेटी और अंदर घर के अंदर रखें, तो एक ही चीज़ के साथ अपना काम पूरा होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पूरी मिलने वाली है। उसके बाद जो है स्पेस आपके रूम के अंदर पूरी प्रॉपर मिलेगी, एक बड़ी सी विंडो आपको मिल जाएगी जो कि टफन ग्लास के साथ होगी और साउंड प्रूफ रहेगी, बाहर जैसा भी शोर हो तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन लाइट आपके घर के अंदर पूरी और प्रॉपर आएगी क्योंकि दोनों ही तरफ से वेंटिलेशन और लाइट का पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल वास्तु फ्रेंडली होम है ये। और आपके यहाँ पर वॉशरूम जो कि अटैच रहने वाला, जहाँ पर सीलिंग की हाइट तक टाइल्स मिलेंगी, और प्लस आपके जो लैंप्स हैं अंदर वो आपके सेंसर लाइट्स रहेंगे ताकि आपको कभी भी लाइट को ऑन ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, आप बस सीधा अंदर आएँ और लाइट अपने आप ऑन हो जाए। और आप देख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पर आपकी वैनिटी है, जो सिंक है आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की तरफ से मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट सिंक आपको मिलता है ग्रोही की, जितनी तकरीबन बाकी सारी फिटिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आप देखेंगे सीट भी आपको पूरी वॉल माउंट मिलती है, प्रीमियम लुक्स जो होती है वो पूरी आपको यहाँ पर मिलती है, कलर्स का पूरा ध्यान रखा गया है और क्वालिटी का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा है। ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पर पूरा प्रॉपर रखा हुआ है। ये आपका सेंसर स्विच है जो आप अंदर आते ही अपने आप जो है लाइट्स ऑन ऑफ अपने आप हो जाती हैं, तो ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों पूरा और प्रॉपर एक अच्छा सा वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसे वॉशरूम हो। तो चलिए थोड़ा सा वापस अपने बेडरूम की तरफ, जो हमने अभी देखा था एक अच्छा खूबसूरत सा बेडरूम हमारा, जो कि फर्स्ट बेडरूम हमने अपने घर का अभी देखा है। तो इससे थोड़ा सा वापस हम बाहर की तरफ आते हैं और फिर जो है हमारे बेडरूम हर जगह कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ से वहाँ पूरी लाइट आपको पूरे घर के अंदर नज़र आएगी। और ये आपके जो स्विचेज़ हैं ये बिल्कुल टच पैनल के साथ मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका घर है वो पूरा एलेक्सा इनेबल्ड है और आपके मोबाइल ऐप आपको मिल जाएगी, आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर की लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस हमने यहाँ ब्लूटूथ आपको FM रेडियो यहाँ पर दिया गया है, कई बार होता है खाना बना रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वो आपको यहाँ पूरी प्रॉपर मिल जाती हैं। तो ठीक, यहाँ पर हमारा किचन जो कि 2 साइड रहने वाला है, ड्रायर और बेड कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा, एक अच्छा साइज़ आपको मिल जाएगा, 9.5x7.5 का साइज़ है। और ये सारा कुकिंग एरिया आपको मिल जाएगा, जहाँ ऊपर ग्लास फिनिश के साथ आपको कैबिनेट्स मिलते हैं जो कि प्रीमियम लुक भी आपको दे देते हैं। प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ मिलती है, सारे के सारे कैबिनेट्स आपके डबल लैमिनेशन होंगे और टास्क लैंप आपको यहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे। और लुक पूरी किचन की जो है बड़ी बिल्कुल प्रीमियम आपको मिलने वाली है। और मैं इतना बता देता हूँ, जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तकरीबन आपने जो अगर हमारी और वीडियोस के अंदर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि वो बिल्कुल एक जो प्रीमियम लेवल के घर होते हैं वहीं पे आपको नज़र आते हैं, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज किचन जिसके अंदर हर चीज़ ब्रांडेड हो और पूरे घर के अंदर ही ऐसी चीज़ नज़र आती है। आप देखिए हैतिक की तरफ से पूरी किचन को डिज़ाइन किया गया है और जितना मटेरियल है वो सारा वहीं से आया हुआ है। तो ग्लास फिनिश आपकी जो है यहाँ पर सारा किचन आपको मिलती है, जिससे पता लगता है कि आपका जो लुक्स है वो पूरी प्रॉपर है, क्वालिटी वाला काम जो है वो यहाँ पर पूरा किया गया है। एक अच्छा काउंटर आपको यहाँ पर पूरा मिलता है, जहाँ पर आपका हॉब रखा हुआ है। और ठीक यहाँ पर आपका जो है फ्रिज की स्पेस आपको मिल जाती है, जो कि प्रॉपर मिलती है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके माइक्रोवेव OTG के लिए स्पेस मिलेगी, प्लस ऊपर जो है आपकी स्टोरेज आपको मिल जाएगी। स्टोरेज की यहाँ पूरी प्रॉपर ध्यान रखा गया है ताकि हर चीज़ आपके प्रॉपर अपने जगह पर ही आए, ऐसे वैसे इधर उधर ना रहे। तो अगर आपके पास कैबिनेट्स प्रॉपर हैं तो आपकी हर चीज़ जो है अपनी जगह पर सही तरीके से आती है, तो ढूंढना नहीं पड़ता। बड़े बड़े कैबिनेट्स होने का फ़ायदा ये भी होता है कि हर तरह के जो जार्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, पूरी आ जाती हैं। और ये आपके जो स्पेस है आप ये लगा लीजिए, ऊपर से जब हम अपने बर्तनों को रखते हैं धोकर, तो आपका यहाँ से पानी निचड़ के सीधा जो है आपका सिंक में जाता है, ये इसका फ़ायदा हो जाता है। आप देखिए डबल सिंक है यहाँ पर भी, रोटेशनल टैप आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो कि ग्रोहे की तरफ से रहेगा, डिज़ाइनर टैप होगा और सिंक भी आपका, जी हाँ बिल्कुल साउंडलेस है ये। तो एक अच्छी चीज़ जो होती है वो पूरी प्रॉपर आपको मिलती है। इसके अलावा अगर मैं नीचे कैबिनेट खोलता हूँ तो आपको यहाँ पर स्टोरेज आपको मिल जाएगी, छोटे मोटे जैसे शैम्पू वगैरह होते हैं जो साफ़ सफाई के लिए रखे होते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा डस्टबिन आपको यहाँ मिल जाएगा और प्लस जो आपका RO है उसका डिज़ाइन भी ऐसा ही है कि जो आप नीचे यहाँ पर रख सकते हैं। तो पूरी एक प्रॉपर कंप्लीट किचन जो कि एक अच्छे लेवल की होती है वो आपको यहाँ पूरी मिल जाती है। तो ये चीज़ होती है जो हम चाहते हैं। और ठीक इसके साथ आपको बड़ी सी खिड़की मिलेगी जो कि दरवाज़ा भी है और ये टफन ग्लास के साथ मिलने वाली है, जहाँ पर आपका 10mm का टफन मिल जाता है।
और इजीली आप ओपन करके आप अपनी बालकनी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो बालकनी साइज़ जो है हमारा यहाँ पर 12 फिट का मिल जाता है। इजीली वॉशिंग क्लोथिंग या फिर इस बालकनी का मज़ा लेना हो तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इजीली आप जो है सनलाइट का बड़ा मज़ा लेना हो तो आपके पास यहाँ पर बालकनी है। हर रूम के साथ आपको जो है बालकनी यहाँ अटैच रहेगी, विंडो का आप पूरा मज़ा लेंगे, लाइट का पूरा मज़ा लेंगे, तो चीज़ें आपको यहाँ पूरी और प्रॉपर मिलती हैं। अगर हम थोड़ा सी वेट करें तो ये जो घर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आप ही के हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे यहाँ से चलते हैं अपनी किचन से होते हुए वापस हमने ड्राइंग डाइनिंग एरिया की तरफ, और फिर से एक वो शानदार नज़ारा जो हमने अभी देखा था उसकी तरफ। क्या बात है। तो और यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने अगले बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा किड्स बेडरूम है। तो यहाँ पर सीलिंग डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और स्पेस आपके पास यहाँ भी काफ़ी अच्छी है और पूरी प्रॉपर स्पेस आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि किड्स बेडरूम है तो छोटी मिलेगी। और हमने यहाँ पर देख सकते हैं डबल डेकर बेड यहाँ पर लगाया ताकि बच्चे आपके आराम से पूरे रूम का मज़ा ले सकें, ऊपर भी और नीचे भी आराम से पूरा आपके बच्चे यहाँ पर बड़े आराम से बैठेंगे। इसके अलावा हमने जो है आपका स्पेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए जो है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ लगा दिया, अलग से चार्जर रखने की ज़रूरत नहीं है। और लाइट आपके लिए यहाँ पर भी पूरी होगी, जो अभी हम बालकनी से आए हैं वो एग्जैक्टली बालकनी आपकी यहाँ भी अटैच है। तो मैं दोबारा नहीं खोलूँगा क्योंकि सेम ही बालकनी अभी हम देख कर ही आए हैं। तो चीज़ें पूरी आपको प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पर मिल जाती हैं। तो डिज़ाइन है किड्स बेडरूम को किस तरीके से आप करना चाहते हैं बड़े आराम से कर सकते हैं। आप देखिए वहाँ से लाइट जो पूरी नज़र आती है इस बेडरूम के अंदर, यहाँ से बाहर खिड़की, तो पूरे मज़े लीजिए। और यहाँ पर भी आपका वॉशरूम जो रहेगा अटैच रहेगा और अगेन सेंसर लाइट्स के साथ आपको मिलने वाला है। और ओवल शेप के अंदर राउंड शेप के अंदर आपको जो सिंक है यहाँ पर, जो कि फ्लैट है, और ग्रोहे की तरफ से आपके टैप्स हैं और एक अच्छे कैबिनेट के साथ आपको पूरा मिल जाता है। वॉल हैंगिंग सीट आपको अगेन यहाँ पर मिलती है। तो लुक्स हर जगह पूरी और प्रॉपर आपके घर के अंदर हर जगह मिलती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो इसको समझ आता है कि हमारे पास जो घर है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है पूरी मिलती हैं और वो अच्छे लेवल की मिल जाती हैं। और देखिए जब बात होती है कि हम अपना घर लेना चाहते हैं, हम मिडिल क्लास के अंदर, तो हमें लोन की ज़रूरत भी पूरी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैसिलिटी है 80% की लोन की फैसिलिटी है, वो भी प्रॉपर अपने बैंक से ही आपको लोन मिलने वाला है। तो कोई बेफिक्र रहिए, आपको आवास योजना के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, वो बैंक्स के जो लोन लेते हैं उसके अंदर मिल जाता है आपको। तो हर चीज़ आपके घर के आसपास ही है, एप्रिसिएशन वाली लोकेशन है, लोन हमें यहाँ पर मिल रहा है, प्रॉपर है लोकेशन ठीक। यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम जो कि 11x11.5 का तकरीबन मिल जाता है हमें। और यहाँ भी अगेन हमारा बेड लगाने के बाद जो स्पेस है वो पूरी प्रॉपर मिलती है, क्योंकि यहाँ भी हमने जो वार्डरोब उसको हमने इनबिल्ट रखा है ताकि आपकी जो जगह है वो बिल्कुल भी ख़राब किसी भी तरीके से या किसी एंगल से ना हो। तो चीज़ों का ध्यान हमने पूरा रखा है, आपके लिहाजे से ही चीज़ को यहाँ पर बनाया गया है। और अगेन आपकी जो है यहाँ ग्लास फिनिश के साथ आपकी वार्डरोब है जो पूरी मिलेगी, वो भी सीलिंग की हाइट तक। स्टोरेज यहाँ भी आपके पास जो है वो पूरी रहने वाली है। तो दोस्तों जब घर हमें एक अच्छी लोकेशन पे मिलता है, हमें पता है कि वहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छी हो जाएगी। और अगर हमने मान लीजिए साल या दो साल के बाद आना है, या मान लीजिए चार साल के बाद भी आना है, हम चाहते हैं कि एरिया पूरा डेवलप हो जाए आसपास का, क्योंकि पता है एयरपोर्ट रोड है उसके पास, एरिया तो डेवलप होना ही होना है, तो तब हमने आना, तो भी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ से हम सीधा अपनी पीछे वाली जो बालकनी उसकी तरफ चलते हैं। तो हर तरफ से बालकनी जो आपकी अटैच रहने वाली है और साइजेस आपको अच्छे मिल जाएंगे। इजीली जो वॉशिंग क्लोथिंग आप दोनों बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, आगे हो या पीछे हो, क्योंकि स्पेस आपके पास पूरी प्रॉपर आपको मिलने वाली है। हर रूम के अंदर खिड़की आपकी पूरी है, बड़े बड़े साइज़ की है, तो चीज़ें आपकी पूरी होती है। तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं एप्रिसिएशन की, जब आपका घर जो होता है एक अच्छी लोकेशन पे होता है, इजी अप्रोचेबल होता है, तो वहाँ पर इजीली टेनेंट भी आपको मिल जाता है। कभी भी आपका घर जो होता है वो टेनेंट के बिना नहीं रहता, खाली नहीं रहता। और इनकेस आपको लगता है कि हमने सेल करना, तो सेल भी बड़े इजीली हो जाता है, बड़े इजीली वहाँ पर जो होते हैं बायर मिल जाते हैं और एक अच्छी प्राइसिंग जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। क्योंकि आने वाला टाइम सबको पता है कि जो रोड के आसपास है वो तो आने वाले पीछे सारा कवर अप हो जाएगा, वो किसी को नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा अभी तो प्राइसिंग ऐसी होगी तो इजीली अप्रोच के अंदर नहीं आ पाएगा। तो अभी जो चीज़ मिल रही है हमें जिस प्राइसिंग के अंदर, वो आने वाले टाइम में शायद ही हो कि आपको इजीली मिल सके। और उसके अलावा एक चीज़ होती है कि सोसाइटी आपकी कैसी है, सोसाइटी के अंदर आपको चीज़ें सारी मिल जाती हैं और अफोर्डेबलिटी को पूरा ध्यान रखते हुए या मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा खर्चे ना हो, क्लब हाउस में भी नॉर्मल सी चीज़ें हों और बाहर में जो आपके सोसाइटी उसमें भी नॉर्मल सी चीज़ें हों, ताकि ज़्यादा महंगी ना पड़े, ज़्यादा खर्चे ना हो, इजीली सारे अफोर्ड कर सके, क्योंकि सबने ही ईएमआई भी देनी होती है और सोसाइटी के खर्चे भी होते हैं। तो चीज़ों को पूरा कुल मिला के बड़े ध्यान से यहाँ पर रखा गया।
और उसके अलावा जो घर आपको वो दिया गया जहाँ पर कम से कम आपकी मेंटेनेंस हो आने वाले टाइम में, यहाँ खर्चे कम से कम हो। तो दोस्तों घर आपने देख लिया, जैसे 3 बेडरूम हॉल किचन हमने आपको यहाँ पर दिखाया, जो कि एक बड़े सफिशिएंट डिज़ाइन के साथ आप बड़े अच्छे अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी वीडियो आपके मिस ना हो। और इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे खूबसूरत घर के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त गुरविंदर इजाज़त लूँगा, सत श्री अकाल।